हाय एवरीवन सो इस वीडियो में बात करने वाले बिग फोर्स के बारे में और इस वीडियो में बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशंस में क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली बिग फोर्स कब कब हायर करती हैं किस किस पोजीशंस के लिए हायर करती हैं आप किसके लिए तैयारी कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं बिग फोर नेम्स के बारे में तो देखो बिग फोर में टोटल चार कंपनी है दैट इज ई वाई डिलोयट के पी एम एंड पीडब्ल्यू सी ओके सो नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल दीज वन बाय वन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ईवाई के बारे में देखो ई वाई यहाँ पर तीन पोजीशंस ऑफर करती है फर्स्ट इज एनालिस्ट सेकेंड इज टेक्नोलॉजी रिस्क एंड थर्ड इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मैं पहली दो पोजीशंस की बात करूं एनालिस्ट एंड टेक्नोलॉजी रिस्क ये जनरली आपको कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में ज्यादा देखने को मिलती है जिसका पे पैकेज लगभग ऑफर किया जाता है 4.5 पॉइंट फाइव टॉकिंग अबाउट अगर आप ऑफ कैंपस में जॉब को देख रहे हो तो इस ईयर 2023 और 2024 पर्टिकुलरली ये दो दो बैच के लिए यहां पर हायरिंग आपको देखने को मिलेगी ऑन कैरियर पोर्टल कैरियर पोर्टल पर ये बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं बट जो इनके चांसेस होते हैं रिवर्ट के वो काफी कम होते हैं ठीक है बिकॉज एक पोजिशन आ गई दो पोजिशन आ गई ऐसा कुछ चलता है ठीक है सो so, ये इनका रहता है एनालिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट दो पोजिशन होती है नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पोजिशन That is Software Engineer, तो ये एक हाइरिंग ड्राइव जनरलीफ कैंपस हर साल निकलती है क्योंकि एक बड़ी हायरिंग होती है जिसके थ्रे तो सारे टेक्निकल बंदो को उठाते हैं फोर पॉइंट फाइव से लेकर सिक्स एल पी तक का आपका पे, पे, पे पैकेज जा सकता है

Then talking about PWC, PWC यहाँ पर केवल एक पोजीशन ऑफर करती है uh, that is analyst. अब ये जो इसका है इसका पे पैकेज फोर से स्टार्ट हो जाता है और ये जाता है अप टू सेवन एल पी ए तक का ठीक है और इसके हम थोड़े से बात करते हैं तो पीडब्ल्यू सी यहाँ पर दो हैं एक है पी डब्ल्यू सी इंडिया और एक है पीडब्ल्यू सी एस डी सी ठीक है PwC India इंडिया एक इंडिपेंडेंट entity है जो केवल इंडिया के लिए काम कर रही है और SDT SDC basically बेसिकली अपने US office ऑफिस के लिए काम करती है ठीक है नॉट टॉकिंग अबाउट दिस तो देखो यहाँ पर जो PwC है जनरली जो देखा गया है उसकी ऑफ कैंपस drives यहाँ पर कम देखने को मिलती हैं और ये पर्टिकुलरली कॉलेज कैंपस या एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करती है अब जो पर्टिकुलरली position है जो ये कभी कभार ये फ्रेशर्स को ऑफर करती है दैट इज एनालिस्ट जो कि चार से सात लाख रुपए तक का पे पैकेज आपका हो सकता है बट आखिर इसमें जॉब कैसे ली जाए जैसे कि PWC Suppose अगर कोई पोजिशन uh, ऑफर uh, करी है okay, suppose इनके career portal पे कोई पोजिशन uh, आई है that is for analyst position, and, uh, इसमें कैसे जॉब मिले तो बेसिकली देखो पीडब्ल्यू सी में होता क्या है कि इसमें आपकी नेटवर्किंग और रेफरल्स ज्यादा काम करते हैं ठीक है बिकॉज इसमें क्या होगा कि जनरली अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो कैरियर पोर्टल के थ्रू यहाँ पर चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि पी से आपको कोई रिवर्ट आएगा ओके okay, सो so आपको इसमें क्या करना पड़ता है या तो आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स को अप्रोच करो या आप रेफरल्स लेके रखो पी में सो so वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है तो कैरियर पोर्टल को आप इसमें इग्नोर कर सकते हो और अगर आप चाहो तो लिंगड पे कनेक्शन भेज सकते हो फॉर रेफरल्स एंड इसकी मास हायरिंग ट्रेस काफ़ी कम ही देखने को मिलती है जनरली नहीं मिलती है देखने को टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कंपनी दैट इज डिलॉयट जो कि तीन पोजीशन ऑफर करती है एसोसिएट एनालिस्ट एनालिस्ट ट्रेनिंग टी ये इन बिग फोर में ऐसी कंपनीज है जो लगातार हायरिंग्स करती ही रहती है बिकॉज सबसे बड़ी कंपनी है और अगर बात करें एसोसिएट एनालिस्ट की तो ये पोजिशन ऑफर की जाती है थ्री ईयर ग्रेजुएशन वालों को जो एनालिस्ट ट्रेनी और बीटीए है ये की जाती है बेसिकली इंजीनियरिंग वालों को जो बी बी टेक किए हुए हैं ठीक है नॉट टॉकिंग अबाउट दिस यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा बनती है सो so, देखो एसोसिएट एनालिस्ट के लिए हर साल एक बार तो हायर कर ही लेती है और इस साल की वो हायरिंग ड्राइव आ चुकी है अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है अगर आप चाहते तो रजिस्टर कर सकते हो टॉक्टे अबाउट एनालिस्ट ट्रेनिंग तो एनालिस्ट ट्रेनिंग तो बेसिकली डिवर्ट का एक ऐसी पोजीशन है जो आपको कन्वर्ट करके बीटीए में देता है मतलब कन्वर्ट करके बीटीए का मतलब क्या है कि सपोज अगर आप एनालिस्ट ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो सो आ, बेसिकली आपको होना चाहिए था बी टी ए बिकॉज बी टी ए ऑफर करती है कैंपस में और ऑफ़ कैंपस में ऑफ़र नहीं करती तो बी टी ए डायरेक्टली जब कैंपस uh, uh, से रिक्रूटमेंट करती है तब ये ऑफर करती है सेवन पॉइंट सिक्स एल पी का पे पैकेज ऑफर करती है अब एनालिस्ट ट्रेनिंग है एक प्रोवेशन पीरियड वाली जॉब जिसमें क्या होता है बेसिकली uh, ये लोग आपको छः महीने तक ट्रेन uh, करेंगे ट्रेन करके आपका एक एग्ज़ाम होता है सेट गेट करके ठीक है और उस एग्ज़ाम को जब आप पास करोगे दैन यू विल बी

जो एन एल ए क्या है वो होती है डिलोयट कंसल्टिंग के लिए ठीक है ये दोनों डिफरेंट है जब आप आर एफ ए में काम कर रहे होगे तो आप इसमें फंक्शनल प्लस टेक्निकल काम कर रहे होते हो टैग प्लस फंक्शनल काम कर रहे होते हो ठीक है थेके? और रिस्क एंड फाइनेंस में आपका काम रहता है जब आप कंसल्टिंग में काम कर रहे होते हो तो ये आपका प्योर टेक्निकल में चला जाता है हंड्रेड परसेंट टेक्निकल में ये चला जाता है जिसमें आप पूरी कंसल्टेंसी में जो भी आपकी डेवलपमेंट वाली जॉब है उसके ऊपर काम कर रहे होते हो ये ऐसे दो हायरिंग्स निकालती है अगर इस साल की बात करें तो एसोसिएट एनालिस्ट की हायरिंग निकल चुकी है एनालिस्ट ट्रेनिंग ओ की हायरिंग निकल चुकी है नाउ एक हायरिंग बची है दैट इज एनएलए जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक से एक महीने में मेरे हिसाब से आ जाएगी ठीक है बीटीए ऑन कैंपस के लिए देन वी हैव अ कंपनी केपीएमजी सो के पी एम जी दो कंपनीज़ हैं के पी एम जी इंडिया और के पी एम जी के जी एस सो के पी एम जी इंडिया तो जनरली हायर नहीं करती है ऑफ़ कैंपस एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करती है के पी एम जी के जी एस जो है वो हायर करती है यहाँ पर ऑफ कैंपस फॉर टू पोजीशंस वन इज़ एनालिस्ट एंड सेकेंड इज़ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट पर्टिकुलरली ये दो पोजिशन होती हैं जिसमें फोर पॉइंट फाइव से फाइव पॉइंट फाइव का पैकेज आपको ऑफर किया जाता है एंड इसमें यू कैन एक्सपेक्ट वन ऑफ कैंपस ड्राइव जो कि अभी तक ऑफ uh, कैंपस नहीं आई है मतलब मैं मास्क की बात कर रहा हूँ छोटी मोटी निकलती रहती है मास्क की बात मैं कर रहा हूँ अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली दो पोजिशंस ऑफर करते हैं जो कि मैंने लिखी हुई हैं और ये हायरिंग ड्राइव आपकी डिवाइड होती है सबसे पहले ये आपको एक टेस्ट देते हैं उस टेस्ट में उस टेस्ट के बाद आपको दो पोजिशन के लिए यहाँ पर ऑफ़र किया जाता है जिसमें आप चूज़ भी कर सकते हो और अगर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं हुआ तो जनरली क्या करते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले एनालिस्ट में लोग ज़्यादा जाते हैं ठीक है या तो एनालिस्ट जाएगा या साइबर सिक्योरिटी में जाएगा बट इस वाले की ड्राइव ऑफ कैंपस आपको ज्यादा देखने को मिलती है ठीक है तो इसका रजिस्ट्रेशन एक बार वैसे होता है हर साल अभी तक नहीं आया है और इस साल थोड़ी सी उम्मीद कम हो सकती है कि KPMG से आए ठीक है और ये बेसिकली बी बी वालों को ही हायर करते हैं बी वालों को नहीं हायर करते हैं ठीक है इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन के तो यहाँ पर भी आपके रेफरल्स मैटर करेंगे और आपको अपने रेफरल्स रेडी रखने पड़ेंगे अब जनरली देखो के में हो क्या रहा है ये लोग कैरियर पोर्टल पर अभी कर देते हैं अपडेट ठीक है अब उस कैरियर पोर्टल से बड़ी मुश्किल से किसी एक या दो लोगों को यहाँ पर कॉल जाते होंगे जब हज़ार लोग अप्लाई करते हैं बिकॉज पोजीशन ही उतनी लिमिटेड होती है तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर दो काम कर सकते हो एक तो के के जितने भी रिक्रूटर्स हैं उनको आप कनेक्शन में लेके आ सकते हो और दूसरे जितने भी एच टीम वाले हैं उनको आप कनेक्शन में लेके आ सकते हो सो so अगर आपको कोई पोजीशन दिखती है देन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द जॉब आई सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सी कंपनी किस किस प्रकार की हायरिंग करती है किससे क्या उम्मीदें हैं सो so आपको आई थिंक बिग फोर में क्लियर हुआ होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग